वीडियो में बात करेंगे हम BTCS माइनिंग के बारे में। तो दोस्तों, आप BTCS माइनिंग के बारे में जान चुके होंगे कि इस समय BTCS बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और हो सकता है आगे आने वाले समय में पाई नेटवर्क को भी पीछे कर सकता है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल की घंटी को दबा लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें BTCS मनी के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिसीव BTCS क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सिस्टम अपग्रेड इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। इस समय जो है सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, मतलब कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक हाइब्रिड वैलिडेटर का, ठीक है, यहाँ पे ये लोग नई टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मेडिया सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। मतलब कि BTCS एक ऐसा मतलब कि प्लेटफॉर्म बन रहा है जो बिटकॉइन और इथेरियम दोनों को कॉम्बिनेशन करके जो बनाया जा रहा है वही आपका BTCS है। और यकीन मानिए कि BTCS जैसा प्रोजेक्ट बहुत ही, ठीक है, रेयरली मतलब बनते हैं। जैसे बिटकॉइन आपका 2009 में आया था, अगर आपने बिटकॉइन को मिस कर दिया था तो इस समय सबसे अच्छा मौका है कि आप जो है BTCS की माइनिंग करिए और जितना ज़्यादा हो सके अधिक से अधिक पीपल को रेफर करिए, इससे आपकी माइनिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। और माय डियर, आप अगर यकीन मानिए मोर देन 20 BTCS भी माइन करने में सफल रहोगे तो आप आगे आने वाले समय में खुद रियलाइज़ करोगे कि आपके पास कितनी अनमोल चीज़ आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, चलिए हम BTCS का जो कोर DAO है उसका ट्विटर अकाउंट आपको दिखाते हैं। तो माय डियर, अगर आपने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो भी कर लीजिए, जहाँ पे आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए, कोर DAO यहाँ पर देख रहे हैं, कोर DAO जो इस समय 347,000 फॉलोअर ऑलरेडी को DAO में हो चुके हैं। अगर आपने नहीं फॉलो किया है तो आप इसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बिटकॉइन के बाद यही एक ऐसा मतलब कि होगा करेंसी जो कि फ्यूचर में मैक्सिमम लोग बाई करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आया है, अभी अभी सतोशी प्लस कॉन्शस बैलेंस प्रूफ ऑफ वर्क विथ डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक एंड एन इफिशियंट प्रोटोकॉल ड्राइवन लीडर इलेक्शन मैकेनिज्म दस ब्लॉक टाइम जो होगा शुड बी शॉर्टर देन दैट ऑफ इथेरियम। मतलब कि जो ब्लॉक टाइम होगा माय डियर कॉन्शस प्रोटोकॉल का लेस देन 5 सेकंड होगा, मतलब कि इथेरियम से भी कम होगा। और यहाँ पे जो फाइनलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन होगा लेस देन 1 मिनट, मतलब सोचिए कितना फास्ट यहाँ पे इस केबल बनाया जा रहा है कि आप यहाँ पे समझ भी नहीं सकते। ठीक है, बिटकॉइन वगैरह को 10 10 मिनट ले जाते हैं, यहाँ तक आधे आधे घंटे ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर माय डियर 1 मिनट के अंदर आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा और जो ब्लॉक का फॉर्मेशन है केवल लेस देन 5 सेकंड होगा। इसलिए अभी भी कहा जा रहा है कि आप अगर बिटकॉइन की माइनिंग नहीं किए हैं, BTCS की माइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर कोर ब्लॉकचेन के बारे में और भी अधिक चीज़ें पढ़ना है तो आप इनका जो है मीडियम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बाकायदा जी बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ बताया गया है। और माय डियर, अगर आपने हायर डायलॉग को मिस कर रहे हैं तो आप हायर डायलॉग को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हायर डायलॉग भी बहुत ही जल्द एक न्यू एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। ठीक है, हो सकता है ये बायबिट या फिर crypto.com या फिर हो सकता है, ठीक है, कुकॉइन जैसे बड़े एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप कोई भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।